From the Mumbai studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on The Debate. Ladies and gentlemen, last night on The Debate, we brought you a super scoop on the Ayodhya proposal. Tonight on The Debate, we have visual proof with us. A 25-minute tape with a message of peace and unity. This is a tape India must hear in entirety to put to an end the Mandir Masjid dispute. Here's the tape and let's debate. हम सब लोग मिलजुल के रहेंगे और मसलों को हल करने ही की हमेशा फिक्र करेंगे और जैसे हम लोग आपस में जमीयतुल उलमा हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो मिल के बैठते हैं ऐसे ही हम लोग एक ऐसी भी कमेटी बनाएंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम वगैरह सब होंगे जब कोई मसला उठेगा हम सब मिलकर अ मैसेज ऑफ यूनिटी एंड पीस ये जो काम आपने शुरू किया जो पहल की है बहुत अच्छी है ये अच्छे जज्बे पर मबनी है और इसीलिए मैंने भी लबैक कहा कि साहब मैं उसके लिए तैयार हूँ अगर से बहुत से लोग मुझे गाली बक रहे हैं कि साहब मैंने ना मस्जिद दे रहे मैंने कहा भाई मसला यूँ है ही नहीं मैंने तलाश किया तो मुझे मालूम हुआ कि मुसलमानों में जो मुख्तलिफ मसलक हैं चार मसलक मशहूर हैं उनमें से एक मसलक हम्बली कहलाता है उसमें इसकी गुंजाइश है कि मस्जिद की जगह बदली जा सके तो गोया अब वो मस्जिद वहाँ तो नहीं लेकिन हम जगह बदल कर दूसरी जगह बनाएंगे बड़े शौक व शौक से अजीम शान बनाएंगे इंशाल्लाह और यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे तो ये क्योंकि गुंजाइश मजहब में है अ मैसेज ऑफ टुगेदरनेस एंड सेक्युलरिज्म द अयोध्या डिस्प्यूट हैज बीन ड्रैग्ड ऑन फॉर डेकेड्स इट्स टाइम नाउ फॉर इंडिया टू टेक अ डिसीजन ओवैसी कैन नॉट डिसाइड मगर जो स्टेटेड पोजीशन पर्सनल लॉ बोर्ड का रहा है वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है कि किसी से बातचीत नहीं होगी विनय कटियार कैन नॉट डिसाइड साइट हमारी मंदिर की है जमीन का नहीं है नहीं नहीं जमीन की भी है जमीन तो हमारी है ही है वही हमको मिल जाए बस इंडिया मस्ट डिसाइड That it's time to end this politics of hate and accept the proposal of the top All India Muslim Personal Law Board member. हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम आबादी में जो जगह वहाँ पर है वो 70 बीघा हो या 65 बीघा हो वो जगह मुसलमानों को मिले वो एक अच्छी मस्जिद बनाए शौक और शौक से दूसरी तरफ मंदिर तो बना ही दिया गया अब उसको वो अपने अंदाज से बनाए और इधर अच्छी मस्जिद बने और एक यूनिवर्सिटी मंजूर की जाए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमी है मुसलमानों में वो इल्म की है सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया कि मुसलमान तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे चले गए इट्स नॉट अबाउट अ डिस्प्यूटेड लैंड इट्स नॉट अबाउट फेथ इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया इट्स अबाउट न्यू इंडिया ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक टीवी Viewers, I'm putting that entire clip out on Republic World so that everyone watching the program can hear it. It makes so much sense. It talks about amity. And I would say this, that whatever Salman Nadvi has said should be the last word in an out-of-court settlement on the Ayodhya dispute. I respect what the courts would do. But it appears to me that if this country wants an out-of-court settlement, then no one should stand in the way. And I want to tell people like Maulana Rashidi on the program tonight. I want to tell Sambit Patra and Sangeet Ragi. But more than that, the spokesperson of the Hindu Mahasabha, Pramod Joshi, ko mai kehna chahta hu. Aur mai Pandit Ajay Gautam ko kehna chahta hu. Aur Syed Rizwan Ahmed hai, unko kehna chahta hu ki aap log abhi band kijiye. Shariar Khan is on the program. Band kijiye. वारिस पठान इज ऑन द प्रोग्राम मैं वारिस पठान से कहना चाहता हूं कि बंद कीजिए वारिस पठान आप किसी के नुमाइंदे नहीं हैं
आप सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं, इसलिए बंद कीजिए। देश भर के लोग आज कह रहे हैं कि सलमान नदी नदवी ने जो कहा बस उसी को आप बेसिस बनाइए और सॉल्व कीजिए उसको बाहर। 25 साल से झगड़ा करा रहे हैं, फसाद करा रहे हैं आप लोग। आपको फायदा हो रहा है पॉलिटिकली, आपके पार्टी को फायदा होगा, आपको चंद वोट मिलेंगे, मगर ये बंटवारा करने की कोशिश मत कीजिए। और हंस रहे हैं वहां पे वो वारिस पठान, मगर इनको पता है आज। और मैं ये भी कहूंगा, प्रमोद जोशी कौन है? प्रवीण टोगड़िया कौन है? प्रवीण टोगड़िया जो प्रवीण टोगड़िया कहे कि हम इसको सॉल्व करेंगे, हिंदू महासभा नहीं है आप, सारा देश कह रहा है। ओवेसीज एंड टोगड़िया मूव असाइड, ना असदुद्दीन ओवैसी डिसाइड करेंगे, ना टोगड़िया डिसाइड करेंगे, ना हिंदू महासभा डिसाइड करेगा, लोग डिसाइड करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लोग डिसाइड करेंगे। एंड दोस्तों, आप वो अयोध्या का टेप हमारे अपने डिजिटल साइट में हमने रख दिया है, लोग उसको देख सकते हैं। आई वुड से आप अभी हटिए, आप यानी कि हिंदू महासभा हटिए, संगीत रागी आप भी इनको कहिए, वारिस पठान जी को हटिए, आप हम हिंदू डॉट कॉम आप भी हटिए, लोग इसको सॉल्व करेंगे, मौलाना रशीदी हटिए, इस इशू से आप लोग हट जाइए। आप आज टीवी पर बोलिए हम हट जाएंगे इस इशू से, लोग सॉल्व करेंगे। ये कोई गेरुआ कपड़ा पहनने से कोई हिंदू का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनता है। ये छोड़ दे कि वहां पर कभी मस्जिद भी थी, बाबर नाम का लुटेरा आया जिसने मंदिर को तोड़ा था, ये मान ले हम हट जाएंगे। वेरी सिंपल, दैट्स नो नन ऑफ योर बिजनेस। ये सिर्फ इतना एक्नॉलेज कर ले, 1993 को डॉक्टर इस्माइल यू आर यूजिंग दिस इशू दिल्ली वक्फ बोर्ड के बिहाफ पर जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था, ये कहते हुए कि अगर कभी वहां ये प्रूव हुआ कि वहां कभी भी मंदिर की एक्सिस्टेंस थी, जो कि एएसआई की रिपोर्ट वॉल्यूम 10 से प्रूव हो गई, तो ये अपना दावा छोड़ देंगे। ये जो इन्होंने एफिडेविट 1993 में फाइल किया, यू लेट द मैटर बी सेटल्ड आउट ऑफ कोर्ट, लेट द मैटर बी सेटल्ड आउट ऑफ कोर्ट, यू आर नॉट अ पार्टी। मैं कह रहा हूं प्रमोद जोशी जी, देखिए आप पार्टी नहीं है, आपको मैं आप बुरा लगेगा आपको, आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ओवैसी भी नहीं है, टोगड़िया भी नहीं है। रेजोल्यूशन होगी, आपकी जरूरत नहीं है, देश के लोग रिजॉल्व करेंगे। और आप लोगों को लग रहा है हमको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, आपको कौन इंपॉर्टेंस देगा और क्यों दे? ये अयोध्या के मामले को आप लिंगर ऑन नहीं करा सकते कि कई सालों से इसको चलता रहे, लड़ते रहे, फिर कहेंगे हम इसमें पात्र बनेंगे, अब नहीं है पात्र। आप समझ रहे हैं ना प्रमोद जोशी जी? आप तो अर्णव जी, पहली बात एक सुन लीजिए जी, इस विवाद को सौहार्दपूर्ण समाप्त करने के लिए प्रयास जो है वो हमने ही किया है, और इसको शुरुआत जो किया है वो हमने 7 जुलाई से किया है, और 7 जुलाई से लेकर के आगे चल करके आज तक जो सफलता मिल रही है उस पर कोई भी आकर के सिक्का मार गया उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ पर राम जन्म स्थान पर मंदिर ही बनेगा और दूसरा कुछ बनने वाला नहीं है, ये भी आप लिख करके लीजिए। इसके लिए प्रमोद जोशी की आवश्यकता नहीं है, वो मैं भी नहीं मानता हूँ। इसके लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कोर्ट में, और जिस प्रकार से हमने वार्ता की है, लोगों को तैयार किया है, जिस प्रकार से मध्यस्थता हुई है, इसका स्वागत आपको करना चाहिए। हमारी जरूरत क्या है? अगर कोर्ट ही सब कुछ करने वाला था तो हमारी आवश्यकता क्या थी? हमें कोई लड़ने के लिए आया नहीं था। हाँ, लड़ रहे थे जिस समय पर हमारी वहां पर मंदिर की अवस्था बिकट थी, उस समय पर हमने लड़ा 1949 में। प्रमोद जोशी जी देखिए, 25 मिनट की टेप है, सुनिए एक मिनट पे, इनको बड़ी आघात पहुंच रही है आज रशीदी जी को। आप रशीदी जी सुनिए, आप सुनिए 25 मिनट की टेप है, 25 मिनट की टेप है, एक मिनट 25 मिनट की टेप है। दिस टेप व्यूअर्स, मैं चाहता हूं कि रशीदी जी जाके आज घर में जाके पूरा टेप सुने, ताकि उनको पता चले कि लोग चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक टेबल में बैठ के इसको सॉल्व करें, और उन्होंने क्या कहा है। मैं अंग्रेजी अनुवादन करता हूं, आई ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश। सलमान नदवी सेज दैट लॉर्ड राम इज अ लेजेंडरी फिगर फॉर ऑल। संबित, यू मे हैव हर्ड इट, लॉर्ड राम इज अ लेजेंडरी फिगर फॉर ऑल, लाइक आर स्कॉलर्स स्पीक ऑफ द प्रॉफिट, राम वॉज ऑल्सो अ प्रॉफिट, एंड दैट इज द रीजन वाई मुस्लिम्स डोंट इंसल्ट राम, दे ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। आर कुरान सेज दैट वेन समवन ऑफ अनदर फेथ respect or worship someone, don't say anything bad about him, that is an order, don't disrespect him. Now the question is, why don't you respect this what Salman Nadvi has said? Aapko milta kya hai Rashidi ji? Logo mein ghrina spread karke,
एक हेट स्प्रेड करके आपको मिलता क्या है? आप जो डेली करते हैं, आप हर अच्छे चीज को अपोज करते हैं, आपको मिलता क्या है? सलमान नदवी ने जो बोला कि आपने सुना कि नहीं, सुनिए, उससे सीख क्या मिली आपको? उन्होंने ये भी बोला, सुनिए, उन्होंने बोला, when it comes to the Babri Masjid, for a long time prayers have not been taking place. Prayers have not been taking place. Concentration of people is far away. वहां पे मुस्लिम समुदाय नहीं रहती है, उन्होंने कहा. हम चाहते हैं कि 65 या 70 बीघा जमीन जहां पे मुसलमान की आबादी है वहां पे मिले. वहां पे आप मंदिर बनाइए, टेंपल दूसरे जगह पे बनाइए और यूनिवर्सिटी बनाइए. बात खत्म, झगड़ा खत्म. शुड आई टेक अ वोट? मैं दो चीजें, क्या मैं वोट लूं अभी प्रोग्राम पर? सर, इसी वक्त पूछूं रशीदी जी कि आपने जितनी बेकार की फाइट जो चलाई है इतने दिनों से, क्या मिला आपको? क्या मिला आपको? पीपल आर गोइंग टू सॉल्व दिस. सुनिए मेरी दो बातें, सुनिए. नहीं नहीं, दो बातें क्या, आपको तीन बातें आज सुननी पड़ेगी. आपको मेरी दो बातें सुनिए. ये हिंदू मुस्लिम फाइटिंग बन कीजिए. एक बात ये है जी कि जो फार्मूला सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया था वही फार्मूला ये पेश कर रहे हैं, तो ये तो नहीं आपको शराब जैसी बात हुई. नंबर एक, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए. आपको आपको क्या मतलब है? ये है कि अगर अगर हमें मस्जिद का दावा वहां से छोड़ना पड़ा जी, तो हम फिर 65 बीघे 70 बीघे क्यों लेंगे भाई? अगर एहसान करो तो पूरा करो. ये कौन सी बात है कि साहब 65 बीघे भी लेंगे 70 बीघे भी लेंगे, तो क्यों लेंगे भाई? पूरा हिंदुस्तान में मस्जिद कहीं भी बन सकती है, फिर ये कौन सा फार्मूला हुआ? तीसरी बात ये है, ये फार्मूला है फाइटिंग बंद करने वाला फार्मूला, कि साहब मंदिर तो वहीं बनेगा, आप मस्जिद फला जगह बना लीजिए. ये तो कोई फार्मूला नहीं होता. फार्मूला मध्यस्थता ये होती है, इस्लाम में मस्जिद जो है, इस्लाम में मस्जिद जो है वो एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है या नहीं है, सिर्फ इतना बता दीजिए. ये बता दीजिए, क्या इस्लाम के अंदर मस्जिद एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है या नहीं, सिर्फ इतना बताइए. मध्यस्थता का मतलब ये होता है, इतना तो बताइए ना, कुछ ना, सिर्फ इतना बताइए, कुछ ना बताइए, क्या इस्लाम में मस्जिद एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस? ठीक है, वन, एक बार यू आस्क द क्वेश्चन, इट्स इनफ. पंडित अजय गौतम, पंडित अजय गौतम, वन मिनट, आई एम कमिंग इन, आई कांट एंकर दिस इफ यू डोंट लेट मी. पंडित अजय गौतम, यू हैव आस्क द क्वेश्चन, नाउ लिसन टू मी, इट्स अ सीरियस डिबेट. पंडित अजय गौतम, आप एक ही चीज को 10 बार दोहराने की जरूरत नहीं है. आई एम गोइंग टू स्पीक नाउ, आई एम गोइंग टू स्पीक, ओनली आई एम ऑन एयर. पंडित अजय गौतम, आई एम हैविंग अ सीरियस डिबेट. पंडित अजय गौतम, आप टीवी पर नहीं हैं, ये बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव मामला है. आपको एक ही चीज 50 बार बोलने की जरूरत नहीं है. नाउ रशीदी रिप्लाई, डोंट शाउट. धर्म की किसी किताब में बता दीजिए, बता दे दीजिए ना, मंदिर वहां है, निकालिए इससे, मंदिर वहां है, आई कांट हियर, निकालिए बाकी है, जो इस साल हम देंगे. अर्णव खन्ना कमेन, ये मध्यस्थता नहीं हो सकती. मध्यस्थता ये है कि आप गिव एंड टेक पर बात कीजिए. अर्णव खन्ना कमेन, कुछ लीजिए, कुछ दीजिए, सब तो आप यार कहते हो भैया, ही बनेगा भगवान के नाम पे, क्या लेंगे, क्या दे रहे हैं हम लोग, कौन सा गिव एंड टेक भाई? हां, हम ये कौन सी मध्यस्थता है भाई? 67 एकड़ जमीन दे रहे हैं ना लखनऊ के अंदर, दे रहे हैं, वहाँ बनाओ. और कौन ले रहा है? नहीं नहीं, वहाँ बनाओ. सीधी सी बात है, मैंने कहा एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है या नहीं, मुस्लिम में ये बता दो ना, जमीन किसने मांगी आपसे? एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है या नहीं ये बताओ. जिस चीज से तुम्हारा लेना नहीं देना नहीं, जिस चीज से लेना ले लो, फलाने पार ले लो. अरे एक बाबर नाम का लुटेरा आया हमारे मंदिर तोड़, कौन है बाबर? अरे मंदिर तोड़, कौन है बाबर? बना ली, कौन है बाबर? उसके लिए उस बाबर के नाम, बाबर कौन है? बाबर नाम के, कौन है बाबर? पीछे खड़ा होना जानते नहीं किसी बाबर को भाई? बाबर नाम के, हम नहीं जानते किसी बाबर को. खड़ा होना बंद करो रशीद. हम किसी बाबर को, स्टॉप इट जर्मन, नाउ वी आर ऑन द डिबेट. हम किसी बाबर को जानते नहीं. आई एम ऑन द डिबेट नाउ व्यूअर्स, वन सेकंड, अकबर को जानते हैं. आई इनवाइट नाउ, आई इनवाइट वारिस पठान एंड संबित पात्रा ऑन द डिबेट टुनाइट. कम डाउन जेंटलमैन, कम डाउन. आई एम पेन बट आई आस्क अ क्वेश्चन टुनाइट. वन सेकंड, संबित पात्रा एंड वारिस पठान are on the debate. Can these two gentlemen calm down for a while, please? Sambit, can you tell him to calm down? Sambit, will you tell him to calm down? He's sitting next to you. You tell him to calm down. Dekhiye, serious debate hai. Dekhiye, ek minute, Sambit, one minute. Dekhiye, Sambit, ek minute, okay, 1 minute. It's a serious debate. Main Rashidi ji ko bol raha hu. Aur main Pandit Ajay Gautam ko request kar raha hu. Dekhiye, samanyatar main ye baat nahi kehta hu.
मगर आज मैं कह रहा हूं, आप टीवी पर आ जाइए, मैं सामान्य तरह नहीं बोलता हूं, मगर मैं बोल रहा हूं कि लोगों की भावनाओं के साथ हम खेले नहीं। दूसरी बात है, हर एक दूसरे धर्म को रेस्पेक्ट करें। और तीसरी बात, अगर आप दोनों में, अगर आप दोनों में, सुनिए 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 ना मेरी बात, अगर आप दोनों के दिल में थोड़ी भी सहानुभूति है, तो मैं इधर मुंबई में बैठा हूं, आप पांच वहां पे बैठे हुए हैं, सारे पांच दिग्गज एक दूसरे पे चिल्लाएंगे, मैं 2,500 किलोमीटर दूर बैठ के आप लोगों के डिबेट नहीं करा सकता। आप प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और दो व्यक्ति बोलिए, एक ही बार में पांच व्यक्ति बोलेंगे तो कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। प्लीज, थैंक यू, नाउ डिबेटिंग टुनाइट, संबित पात्रा एंड वारिस पठान आर ऑन द डिबेट टुनाइट, एंड वारिस आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, लिसन, लिसन टू मी, मे आई मेक माय, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी, क्वेश्चन, फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लॉबी व्यूअर्स दैट इज डोलिंग आउट डिक्टेट्स ऑन अयोध्या, दे आर सेइंग ही ओन्स दिस लैंड, हु ओन्स दैट लैंड, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन। I am asking a simple question. What makes Waris Pathan the custodian of what should happen in Ayodhya? Sorry, Waris, don't take it personally. Question is, your leader Asaduddin Owaisi says, Supreme Court will decide about Babri Masjid, BJP or its jokers. No, no, he says, listen to me. BJP or its jokers ko baja bajana band karna chahiye. Aapne bola BJP joker hai aur unko baja bajana band karna chahiye. My question is, right. देश में right. 172, no, no, no. 172 yes. यानी कि 172 million Muslims are there. Who is Asaduddin Owaisi to speak on their behalf? Please just answer the question. Go on. Now can I make my point, Arnab? Please. The Muslim Personal Law Board has already stated that they will go by the Supreme Court judgment and there will not be any intervention, there won't be any talk with any party or person. So whoever is going and talking with Ravi Shankar or any person is going for his own personal peculiar benefit with a devil intention. I am calling them crooks. They are crooks for their own personal benefit. They are preloaders. Who are you calling I'm a crook? Calling them crooks and preloaders on your channel. Crooks and freeloaders. Who has given them the authority to go and talk on whose behalf are they? Crooks and freeloaders. The matter is subjudice. Matter is pending before the Supreme How Court. How dare you Supreme call? Court you are calling dispute. You are calling Shri Ravi Shankar a crook and a freeloader. No, I know be careful of what you say, sir. Whatever he is doing, he 1 minute. You have no right to disrespect him as an individual on the program tonight. No, please, allow me to make my no, point. Equally people can say about all of you. Of no, this is unacceptable. This is unacceptable. Take back those words. Take back those words, sir. Take back those words, sir. Take it back. I will not take back those words of crook and freeloader. Maintain the sanctity of the debate tonight. Against the Supreme Court when the matter is sub judice, I will call him a preloader. I will call him a crook. I will tell him the devil. This is unacceptable. What is, take it back. Consensus. What authority? What authority do they have to go and make settlement? For several years we have been trying to settle the dispute. It was never settled. Let the Supreme Court decide. Everybody you, will accept. Sambit Patra will accept. You will accept. I'm sorry, viewers. Why are you worried about? I believe. So I must say this. Can I ask something? This is now going beyond acceptable limits. This is going beyond acceptable limits. This is going beyond acceptable limits. 1 second. This is going beyond acceptable this limits. Acceptable no, I'm sorry. I'm sorry. I am really sorry. What is? You will not accept that. You may not agree with me. You will never agree with me. But I know what points I am making. What is? The Supreme Court decide. It will not be decided on the basis of Asta or Hindu Asta. It will be decided Arnab, on the basis of evidence, which will be laid Mr. down Waris before Patan, the Honorable Supreme Court. And every citizen of this country will accept that. That is it. And in between, there will be no negotiation. Just Sambit Patra, just 10 seconds, please. 10 seconds. Now the matter is subjudice. What makes the RSS, the Vishwa Hindu Parishad, go before the people and say, what come what may, we are starting the construction of temple from 1710. Really what right first of all, are they Chief Justice? First are of all, Waris, now you can't go and why make a long speech judges? Like that. Why you have to first judges? Hear the other side. And I want you to hear me for a minute. You have spoken and you have made an extremely long, passionate, and if I may say so, an intervention in the language you should not have made. Now listen to me for a minute.
First of all, I have a right to give my point of view. You will not accept my language. Yeah, you listen to me. I don't accept your language. You have no right to call Sri Sri Ravi Shankar a crook and a freeloader on this program. You have no right to call. Whosoever has gone you there, have no right to call Salman Nadvi a freeloader on the program. To settle the matter, this language the is unacceptable. You were unable to solve it. Crooks, I'm calling them. Be careful and take back your words, sir. See, when the Muslim Personal Law Board has take back your words, sir. I will not take back my word. When the Muslim Personal Law Board has clear terms stated, the Muslim Personal Law Board is not the sole custodians of all Muslims in India. Allah is owner of the masjid. They have no right. They have no right to go and say that, okay, you shift it there and give it to them. Sambit is on the debate. Give that property. It is the property of Allah and Allah alone. Mr. Pathan, you had said that you would speak not after 10 seconds. Your 10 seconds are long back over. Please allow me to come in over here. Mr. Goswami, as far as today is concerned, I firmly believe that today we should have a sane, a relatively quiet debate, because at the end of the day, we are talking about a consensus. And using such words like crooks, etc., for the ones who are seeking consensus is wrong. Why do I say so? Because of the fact that the first person in the recent past to seek a consensus was none other than the former Chief Justice of India, Justice Keher. What did Justice Keher say in 2017? Well, he said that I offer my services. If no one else is ready, then the Chief Justice of India is ready to come down, to sit with two parties and to decide as to how we reach to a consensus. If I'm not available, anyone of my brother judge will come down for a consensus. Anyone for that matter of purpose can go and have a consensual discussion. See, after all, we have discussion. Can go for arbitration. It's a civil dispute. Sambit Pathan. Sir, please, Waris. Waris, please. Pathan, I did not shout. Please listen. Waris, please. Listen to me. Waris, please. Very important points are coming. Listen to me. Don't shout. I have certain objections. Objection number one. When Maulana Rashidi said, "Kya Shri Ram ne apna wasihat banaya tha ki wahan par mandir banega?" Main aapse puchta hoon. Kya Allah ne wasihat banaya hua hai ki wahan par masjid banega? How dare you say that such kind of words about Sri Ram? No, no. Why? Who said? Masjid nahi hatti. Kisne kaha? Kehte us tarah se lekar marshe mohalla mein masjid. Are Saudi Arab mein maine aapke beech mein bola suniye. Saudi Arab mein jo log rehte hain Saudi ka kanoon nahi mante. Prophet prayed. Where the Prophet please I did not speak. Saudi mein humble log hain. Please I did not speak. I did not suniye. Suniye. Saudi Arab mein aap nahi samjhoge. Jis masjid mein Prophet Muhammad pray karte the us masjid ko demolish kiya gaya. Aur yahan ye Saudi Arab se aur shuddh bane hue. Main baat karunga Ramchandran ki aap nahi bol paoge. Ye Babar kya aap nahi bol paoge. Ye Babar kya aap sabse bada hai. आप प्रॉफिट को नहीं मानते अरे आप प्रॉफिट को नहीं मानते आप क्या बोल रहे हैं आप प्रॉफिट को नहीं जानते क्या बोल रहे हैं प्रॉफिट के लिए हम अकबर आप प्रॉफिट को नहीं जानते हैं हम नहीं जानते आप प्रॉफिट को नहीं जानते हैं हम प्रॉफिट को जानते हैं स्टॉप इट ऑन द प्रोग्राम राइट नाउ आई एम सेइंग वन थिंग जेंटलमैन स्टॉप इट नाउ एंड माय पॉइंट इज ओनली आई एम स्पीकिंग ऑन द प्रोग्राम जेंटलमैन प्लीज काम डाउन बोथ ऑफ देम मस्ट काम डाउन द क्वेश्चन टुनाइट इज दिस आई एम स्पीकिंग एंड आई एम स्पीकिंग टू द ऑडियंस टुनाइट व्यूअर्स I would like at this point of time at this to get Shahryar Khan and Syed Rizwan Ahmed into the program. Because I am of a firm view that we need a solution and a resolution. And remember, Sambit and Rashidi, it is easy to attack each other. On this issue, I would like to tell you, Sambit, remember an entire generation of Indians, you know, 1 minute, Rashidi ji, one full generation of Indians. Their lives have been spoiled because of the Babri Masjid fight. We will end it. And my question is, we must ask the difficult question. Mr. Raghi, please feel free to come in. But Shahryar Ahmed and Rizwan Ahmed, why don't you ask Waris Pathan some questions? Why don't you ask Waris Pathan what his locus standi is? Syed Rizwan Ahmed, Waris, Awaisi says, Syed Rizwan Ahmed, 1 minute. He says the case is about title suit. It is not about temple or mosque. Is he from Ayodhya? Is Awaisi from Ayodhya? 1 minute. Is Awaisi directly affected by the dispute? Is Awaisi representative of the Muslim community? The answer is no. So why doesn't he just keep mum and let there be peace through a settlement? Why don't you ask him some questions? Mr. Rizwan Ahmed, ask Waris Pathan. Waris on the right. Ask Waris some questions. Invite me here. I have not come here to rebut people like Waris Pathan or Oasi. See, our lives are made of past, present and future, Arnab. The present of Muslims in India is pathetic. We are socially, economically, academically, and we are redundant. Our past,
Muslims should keep their hand on their heart, and Arnab, they should say that yes, Muslims destroyed temples in India to make mosques. We should not take any legal responsibility, but we should take social and moral responsibility. Well said, well said, well said. Regarding the future, Arnab, regarding the future, louder, Arnab, I can't, Delhi office. We should have a settlement on Ayodhya with major priority to Hindu sentiment. Many, Mr. Rizwan, do you know that on, since several years people have... I want to hear. For our future generations, and that is the only way out for Muslims in the 21st century. If we will keep on taking confrontation with the majority community, we are destined to be doomed. But people like OAC, these parasites sucking Muslim blood, they want to thrive on Muslim blood, and they want the community to be doomed. Oh, what is Patan is responding? We want to follow the rule of law. We want the judgment. What is Patan? We want the Supreme Court to pass a judgment. What is Patan? Let me tell you this. You have met your match today. What is Patan? You have met your match today. And Syed Rizwan Ahmed is saying to you, he says that you are a parasite seeking to take advantage. You are a parasite seeking to take advantage of the Muslim community. That's what he calls you tonight. He will say whatever. He's an agent. BJP agent. He is sent to the TV channel to make point on behalf of the BJP. He's a BJP agent. He is going to say something on the TV national channel. He's been making such. He's laughing at you. Which we don't even. He's laughing at you. You may laugh. He's laughing. I am laughing at him. Since 3 days. I am laughing at him. He is a joke. He makes me laugh. He's a joker. I am laughing at him. I am making a statement. He's a Qadiani. He is not a Muslim. He is not a scholar. He's a BJP agent. He sent on the channel to make statement on behalf of the BJP. अरे हमारे जैसी हंसी लाने के लिए दिन लगेगा रिजवान साहब आपके ऐसी मक्कारी नहीं ला सकता हूं लेकिन आप मेरी तरह हंस नहीं सकोगे मैं हंसूंगा तो आप टीवी का चैनल छोड़ के जाओगे थैंक्स फॉर गिविंग मी सो मच एट टाइम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच एट टाइम बहुत गए नो व्हाट यू मीन बहुत है यस माय प्लेजर Take your time. You are a stock. You are a laughing stock. Everybody is laughing. I am laughing. So what does difference? No, but he has made a point. No. One second. Samit is on the debate. Sangeet Ragi is on the debate. Question tonight is this. Question tonight is this. One is Shariar Khan and Sangeet Ragi. Sangeet Ragi and Shariar Khan want to come on the debate tonight. The question is. He says, don't take a confrontational view all the time. Don't make everything a subject of political confrontation. Shariar is saying something to you, Waris. Shariar Khan. What we need today, what Muslims need. Yes, Arnab, what we need today, more important than the mosque is education, health, and employment of the Muslims. Let Waris listen to it. Hello? Sangeet, after Waris, one minute. Sangeet, listen. This is the second panelist from the Muslim community. Sangeet, wait a minute. Let Rashidi listen. Let Waris listen. An important point being made tonight. Please listen to me. I request you. A very important point being made tonight. I need the help, please. Can they be on the other side while the point is being made? By Shariar, with Waris and Rashidi. Listen to me. My question is. What we need today. I request Waris to be there with Shariar, please. 1 minute. Can I please request 1 second? I'm first making a request. Just a minute. Viewers, I'm saying something right now. I wish to just make one point out here. That today's debate on Ayodhya is very different. Today we are bringing the issue to the moot issue. That why can't we solve it? Frankly, viewers, I want to ask you, why can't we solve it? Because Mayawati would never want to solve the caste issue.
One minute. And parties that are only steeped in religion and nothing else would never want to solve the Babri Masjid, Ayodhya temple issue. If these issues get solved, how will they go and seek a vote? Now what we have is tonight Waris. Please understand. Waris, people like Shariar Khan are saying, what do Muslims need? They need health, education, jobs. What do you want to give them? A feeling of insecurity. How long will you pray? The nation needs, sir, Mr. Arnab Goswami, the nation needs jobs, education, employment, yes. So talk about better that. Health facilities. So talk about that. Shariar is countering you. Shariar, because you laugh. You laugh. Shariar, go on. Shariar, go on. Can I make yourself heard, Shariar. Go on. Boliye, Shariar. Waris saab, meri baat suniye. Waris saab, meri baat suniye, Waris saab. Dekhiye, aap jitna mandir ki baat karoge, आप जितना बात करोगे आप रेलेवेंट होंगे, मुस्लिम कम्युनिटी इरेलेवेंट हो जाएगी पॉलिटिकली, इट विल बी मार्जिनलाइज्ड. आप इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं, आपका एहसास है इसका? आप क्या कहते हैं कि आपको मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अयोध्या इश्यू जब से शुरू हुआ है, आप जानते हैं मुस्लिमों की हालत क्या हुई है, प्रोग्रेसिव मुस्लिम की हालत क्या हुई है? क्या वो मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट लाए? आप एजुकेशन के लिए लड़िए, हेल्थ के लड़िए, यूनिवर्सिटीज के लड़िए. तीन जजेस कहते हैं कि रामलीला वहां हुआ, पैदा हुआ है, तो क्या गलत है? कुछ स्क्वायर फीट की जमीन की जरूरत है ना? अब जो मस्जिद है हम लोग वहां भी नहीं जाते. नहीं नहीं शरिया, नो 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 टुडे नो सर, यू आर नॉट द मसीहा फॉर दलित्स एंड मुस्लिम्स. यू आर नॉट द मसीहा फॉर द दलित एंड द मुस्लिम्स. यू आर टेकिंग अ स्टैंड वेरी वेल सिंस सेवरल इयर्स. We are not trying to polarize, sir. We don't need to polarize. Since several years, this issue has been pending. Two ministers came to settle the dispute. Mahant came to settle the dispute. But nothing could happen. So now the Muslim... Because of these mosques and temples. That it will be settled by the Supreme Court. What problem is sir, there? Sir, मेरी बात सुनिए. इससे आप अगर समझते हैं कि कोई relevant होगा, तो कोई नहीं. आप होंगे. Muslim community नहीं होगी ना. हमारा देश होगा. तो कोर्ट को हमको चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए. सर मॉस्क से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मॉस्क. टीवी की डिबेट में डिसाइड कर दो. अर्नब डिसाइड के लिए Today, Maulana Rashidi, listen. Maulana Rashidi, listen. Today, viewers, one second. One minute. What I am telling, this is not rock and science, this is common sense. Rashidi, the people who are talking about Supreme Court, they are missing the plot. In this country, the Supreme Court comes under the ambit of Constitution. And Constitution is also not supreme. The Constitution comes under the ambit of preamble, and the preamble is also not supreme. The preamble says, "We, the people of India, have what is Bhutan?" To you, the BJP agenda or the Constitution? We give this preamble to ourselves. What is supreme to you, BJP agenda? In 1985, we, the people, decided that Shah Bano will be stabbed at her back, overruling the Supreme Court. Again, in 2018. We the people shall decide, Rashidi. And a Ram Mandir shall be built there. Rashidi. The only saving grace for Muslims is because the day the Hindu community will decide, there is no stopping to it. Even the Supreme Court shall not stop it. No community will decide. The Supreme Court will decide. आप मुसलमान हो ही नहीं. Rashidi. 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 How can you say that? Rashidi. Rashidi will say this one. Rashidi would say this one. Sucking parasites of Muslims. आपकी जरूरत नहीं है हमें. मैं मुसलमान सक्षम है. हमें कादियानियों की जरूरत नहीं है. रिजवान अहमद. You can never have an idea of secular India. You can never have idea of homogeneous India. Even if I have to lose my right hand, I will never believe that OIC was ever a secular person. You are sucking blood of Muslim community. You are parasites. Rashidi. You are blood-sucking. दीदी यहाँ बैठ के आतंक मत फैलाओ.
डर मत दिखाओ रिजवान को, कोई डर नहीं दिखा रहा है, कोई डर नहीं दिखा रहा है। देश का मुसलमान सक्षम है, देश का मुसलमान सक्षम है। रशीदी जैसे लोग 2-2 रुपए में बिकते हैं, 2-2 रुपए में रशीदी करते हैं। They are characterless people, characterless people. Rashidi, today I just want to make an observation. We all. I wish to say one thing. Every day, 1 minute, Pandit Ajay Gautam, 1 minute, 1 minute, 1 minute on this incredible debate tonight. I wish to make a point. Please, please, viewers, please, viewers. Mr. Raghi, I know you want to come in. I want to say just one thing. One thing. Day after day and night after night and after night after night after night. One second, Sambit, 1 minute, wait a minute. I wish to make an intervention. Viewers, day after day and night after night, when clerics of the Muslim community come out and deny 9 million Muslim women their rights, then I'm also asked by people that what makes you feel that these clerics represent the entire Muslim community. And day after day and night after night, sorry, Pandit Ajay Gautam, you won't like it. When people come and say, listen to me. When people come and say, what makes the VHP or the Hindu Mahasabha or HumHindu.com the representatives of the Hindu community, I say proudly, they are not representatives of the Hindu community. And I feel proud today that there are people within the Muslim community who can go and tell Rashidi that what makes you the only Muslim who matters? Yeah, take me on, Ajay Gautam. Take me on, shout out louder today. But you know something? Ajay Gautam. आज जो रशीदी जी और वारिस पठान कर रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, सैयद रिजवान अहमद से कह रहे हैं आप मुसलमान नहीं है, तो क्या आपको लगता है पंडित अजय गौतम आप ही आखिरी हिंदू हैं? नहीं है। और रशीदी जी आपके आखिरी मुसलमान हैं? और जितने हिंदू और मुसलमान इस देश में 25 साल की राजनीति को खत्म करके एक नया सवेरा करना चाहते हैं, उनके उनको रोकने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो हाउ डू यू डिसाइड दैट यू आर द ओनली हिंदूज एंड मुस्लिम? यू नॉट इज शरियत खान नॉट अ मुस्लिम? इज शरियत खान नॉट अ मुस्लिम? कोई मुसलमान नहीं बन जाता अरनब, टोपी पहनने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। अरे पहनो, तुम तो टोपी बनाने में लगे हो। खुद एग्री कर चुके हैं कि मैं कादियानी हूँ, खुद एग्री कर चुके हैं वो। प्लीज वन मिनट, आप उनको मुसलमान बनाने की कोशिश करो। चेहरा दिखाया, खुद कहीं कहा कि मैंने कलमा पढ़ लिया है। संगीत रागी, आप तो इस हैसियत में नहीं हो। संगीत रागी, गो ऑन संगीत रागी। संगीत रागी, यू वॉन्ट टू मेक एन इंटरवेंशन, मेक इट नाउ, देन आई एम गोइंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। Arnab, look, the entire Ram Mandir movement was launched by the Vishwa Hindu Parishad and also by the Sadhu Sons of this the Hindu society. So to suggest that they are no one and they are not the stakeholder will not be correct at all. Even the Supreme Court has accepted the premise that they are representing the Ram Lala, right? No, never. Just a moment, hold on. So the matter is that if the solution comes through the consensus, there can be no better way than this. So everybody will be welcoming that there is a temple is built over there through the consensus. But to say that, you know, it's just a matter of title and it's not a matter of faith,
I would be saying that even the Supreme Court, when the everybody Supreme Court tried it for several years, even the Mahant tried for several years, but the solution could not come out. The Supreme Court has got a right to ask for arbitration or not. It is a civil dispute. But that's not the proper proposal from both the sides. So if they are not agreeing to it, then the better proposal was. Can I put this? I know it's the inappropriate hashtag on the subject, but I wish to ask you something. Viewers, Sambit will come on the debate. I'm starting a conversation with my viewer tonight. I'm starting a conversation with the viewer tonight. And my conversation with the viewer is simple. And Sambit, as you come in, my simple point between Sambit, let Sambit debate this tonight. Let him debate it with anyone in the studio. My question tonight is, I want an end. You want an end. Somehow we want an end. They want to drag it. And you know, Waris Pathan will try and, like drawing water out of a rock, Waris Pathan. Like drawing water out of a rock, you will take the last ounce of political advantage. You are only looking for political advantage. You call the talks a conspiracy. The only conspiracy is to drag this issue and not have a resolution. That's the only conspiracy, Sambit. What's the conspiracy? You accuse Ravi Shankar of a conspiracy. Shri Ravi Shankar is not carrying out a conspiracy. You people are. I fail to understand that. Please let me make an appeal and thereafter you can debate this. First of all, you take back the use of the word crook. Everybody will accept. You apologize for using the word crook. Before you carry on. Yes. I request you. No. Arnab, I request you. And you call Rizwan a joker. Apologize for calling Rizwan a joker. Please. Arnab, let me come on a serious point. Please allow me. Why should I apologize? Or, suno, please, Baris ji, suniye. Suniye, please, suniye. I want to speak my heart out. Hum is desh mein kya kisliye lad rahe hain? Bhagwan Ram jo sabke bhagwan hai. Imam Hind unko kaha gaya muslimon ke taraf se bhi. Hum sabke aastha ka sawal hai. Rashidi. तो आप सुन लीजिए सुन लीजिए मुझे तो बोलने दीजिए ये मत कहिए कि सबके भगवान है प्लीज बोलने दीजिए नहीं ये मत कहिए सबके भगवान सुन लीजिए आपके भगवान है हमारे हम भगवान उनका सम्मान करते हैं मेरे भगवान है मैं को बोलने दीजिए देखिए मुझे कष्ट इस बात की होती है एक एकड़ जमीन के लिए यहां मारपिटाई हो रही है आप कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब आप कहते हैं सेक्युलरिज्म आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे भाई हैं आप एक एकड़ जमीन आपसे छूट नहीं रहा है आप मेरे भाई रोज शाम को मैं बड़ा भाई, भाई छोटे भाई, भाई की मस्जिद तोड़कर मंदिर बना रहा है ये बड़ा भाई ने सब कुछ छोड़ दिया है साहब ये गंगा जमीन बड़ा भाई ने सब कुछ तो छोड़ा बड़ा भाई ने सब कुछ छोड़ दिया बड़ा भाई है तो सेक्युलर है ये देश बड़ा भाई सुनिए मुसलमान भाइयों मस्जिद बनाओ मैं बहुत देर तक चुप रहा सुनिए सुन लीजिए आप छोटे भाई को दबाना चाहते हो सुन लीजिए छोटे भाई की मस्जिद तोड़कर ये छोटे भाई का बिहेवियर है ये छोटे भाई का बिहेवियर देखिए ये छोटे भाई का बिहेवियर देख रहा है सीना होना चाहिए था मतलब ये चाहते हैं कि हम अपना सीना फाड़ दें और सब कुछ इनको दे दें ये क्या देश का सम्मान करेगा आप कौन हो देने वाले अरे भीख नहीं मांग रहे हैं मंदिर वही बनेगा सुन लो मौलाना मंदिर वही बनेगा बस बिल्कुल वही बनेगा सुन लो मौलाना छोटे पर जुल्म करना कौन सी इंसानियत है रशीदी जी प्रमोद जोशी प्रोग्राम पर है एक मिनट मेरी बात सुनिए प्रमोद जोशी इस प्रोग्राम पर है मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग सब जो इस चीज को खींचना चाहते हैं आज सिर्फ दो लोग हैं इस प्रोग्राम पर जो इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं आउट ऑफ कोर्ट और वो व्यक्ति है सैयद रिजवान अहमद और शरियार खान और मुझे बहुत खुशी है आज मुझे बहुत खुशी है
जो मॉडरेट मुस्लिम्स आके खुल के बात कर रहे हैं, आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, अच्छी बात। और एक बात कहना चाहता हूँ प्रमोद जोशी जी, प्रमोद जोशी जी बैठे वो बात करें तो समझ में आता है। हमने शांति वार्ता रखी, जिसका कोई मामला ही नहीं है, जिसकी से कोई बात ही नहीं है, आपसे कैसे बात है? रशीदी, एक मिनट, प्रमोद जोशी जी आपके आने से पहले आई वांट टू आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। रशीदी आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी बात सुनिए। मौलाना साजिद रशीदी, क्या आप एकमात्र, क्या सुनिए मेरी बात, सवाल पूछिए, क्या आप एकमात्र मुसलमान हैं जिनका ओपिनियन मैटर करता है? आप देश के सारे मुसलमानों के एकमात्र वॉइस है? हु आर यू? बिल्कुल नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं। नाउ दूसरी बात, हम हिंदू की तरह के हम सारे हिंदू मेरे हैं। दूसरी बात, मैं नहीं कहता हिंदू महासभा की तरह के सारे हिंदू मेरे हैं, मैं नहीं कहता। अगेन यू शो, मेरा ओपिनियन है। आपको ओपिनियन है तो शायद रिजवान अहमद है प्रोग्राम पर ऑन द अदर साइड। आपको उनके बात से, उनके ओपिनियन से इतनी तकलीफ क्यों होती है? यू आर पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इमाम्स ऑफ मॉस्क, द रिप्रेजेंटेटिव वॉइस ऑफ द कम्युनिटी ऑफ इंडियन इमाम्स। माय क्वेश्चन इज ओनली द वॉइस ऑफ इमाम्स, द वॉइस दैट मैटर्स टू द रेजिडेंट ऑफ अयोध्या नॉट एवर से? डज द ऑर्डिनरी Muslim of the country not ever say? Who are you to decide the future of what happens to Ram Temple and Babri Masjid? Who are you? Can I come in for 30 seconds? Go on. Make your point. Arnab, I am Waris Pathan. If you can make this person suffering from verbal diarrhea, stop. I am Waris Pathan. I want to ask one thing. And let me tell you, Arnab, I am a very communal person. I have nothing to do with Hindus. I am a very communal Muslim. Mujhe Waris Pathan ek baat bata de ki is mandir aur masjid ki ladai se musalman ko economical, political aur social fayda kya hoga? Puch! Woh mujhe bas ek baat bata de kya fayda hoga? Main bhi masjid ki ladai shuru kar dunga. Ask him. Ask this person, मुसलमान का क्या फायदा होगा इस लड़ाई से? Okay, let me answer. Mr. Rizwan, do you know that since several years the dispute was trying to be settled outside the court? People were trying to settle this dispute outside the court. Tell me the social, economic, and political advantage. फायदा रूल ऑफ लॉ का होगा, फायदा संविधान का होगा, मुसलमान का क्या फायदा होगा? वारिस पठान, मुसलमान का क्या फायदा होगा मुझे बताओ ना। नहीं देख सकता मैं रूल ऑफ लॉ को, मुसलमान का क्या फायदा होगा ये बताओ। कोई पाकिस्तान, यू टेल मी मुसलमान का क्या फायदा होगा? यू आंसर मी एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुसलमान का क्या फायदा होगा वारिस पठान? जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं फैलेगा। अरे सर सुनिए, वोट कटेंगे आपके। यू डोंट वरी अबाउट लॉ। यू आर अ पैक ऑफ गूंस। यू डोंट टेल मी अबाउट लॉ। यू टेल मी मुसलमान का क्या फायदा होगा? यू टेल मी मुसलमान का क्या फायदा होगा? छोड़ो तुम गुनो, आई डोंट वॉन्ट टू डिबेट विद द पीपल लाइक हु आर यू। अरे हु आर यू? यू आर नॉट एन एमएलए, यू आर नॉट एन एमपी। ओह यू आर यू नो, यू आर ब्लडी गूंस, यू आर गूंस हु आर सकिंग मुस्लिम ब्लड, यू आर फीडिंग ऑन मुस्लिम ब्लड, यू आर ब्लड सकिंग बैट्स, ब्लड सकिंग ड्रैकुलास, यू आर मुसलमान का क्या फायदा होगा? आंसर मी ऑन नेशनल टीवी, आंसर मी ऑन नेशनल टीवी के मुसलमान का मंदिर मस्जिद की लड़ाई से क्या फायदा होगा? No, but how can you, Waris Pathan, how can you tell him who are you? I am an MLA. Are you saying that anybody who is not an MLA is a nobody? Are you saying जो MLA नहीं है इज अ नोबडी? यू कांट आस्क क्वेश्चंस। ही इज चैलेंजिंग मी, व्हाट राइट डज ही हैज? यू कॉल्ड हिम अ जोकर, ही इज गिविंग इट बैक टू यू।
What right? Who is he? You are not used to a common Mr. man Bharat talking to you like this. I am challenging you. I am challenging you because you are enemy number one of my community. You are enemy number one of my community. That's why I am challenging you. That's why I am challenging you. You are not a Muslim. You are not a Muslim. You are a Qadiani. Oh, this come on, don't give me this crap, Bharat Pathan. All right, Shariar Khan. If you can tell me any social, political and economic benefit that Muslims will get out of this masjid, I will be the first person who will fight for this masjid. I know that. I will expose you. You survive on Muslim illiteracy. You survive on rhetoric. You survive on Muslim blood. You survive on the dead bodies of Muslims. You survive on burnt shops of Muslims. Before the nation, before the community, before the channels, before the people of India, I will expose you tooth and nail, and you will regret for what have you said. Stop threatening it. Don't threaten Pathan. It. I will expose you. No, don't worry threatening it. Don't educate yourself. Educate yourself. You are one single MLA and one single MP, and you are challenging an ordinary Indian. You are challenging an Indian. You people who do not know the idea of India, who do not know the idea of constitution, who do not know the idea of secularism, who do not know the idea of compatibility, you are challenging an ordinary Indian like Rizwan Ahmad. How dare you? How dare you? Arey, you are not ordinary. You are trying to divide the country. You are trying to divide my great nation called India. You are trying to divide the country. Your people have India. Already divided are the you country. Telling me? You have already divided are the country. Are you telling me with all sincerity tonight? Hold on 1 second, Waris, one minute. There are others who are coming into the debate tonight, but I want to ask you with everyone on the debate tonight. My question is, one second, Syed Rizwan Ahmad, I put this question to the viewers of the program tonight, because I just learnt, viewers, a very important piece of information I want to share with you. I realize that I'm not an MLA, I'm a nobody. I'm nothing. Yeah. I'm a nobody. What is? Because you're not an MLA. Because right. You're not an MLA. At second point, I realized. Second point, I realized. No. The second point, I realized. Second point, I realized. One minute, Sampit. Second point, I realized is that some. Second point, I realized. Listen to me. I'm learning every day. Second point, I realize that you're not doing this for politics. That Asaduddin Owaisi is and Akbaruddin Owaisi are only working very hard for the unity of India. Second question, I learned that Akbaruddin Owaisi and Asaduddin Owaisi are working very hard for the unity of India. No, why are you laughing now? You don't take that seriously. We are trying to build our country. We are trying to strengthen the nation. United India. So viewers, another question for you. We want the democracy to prevail. We want the constitution to be upheld. That is why we want the Supreme Court. Sambit is responding. I'm sorry, I'm short of time. But that is why we say, I don't want to see the murder of democracy in my country. Closing the debate tonight, viewers. I can say tonight with certainty, the citizen of India has begun to speak, and that tells me that there is hope that this dispute will end in our lifetime, in this generation, hopefully this year itself. Thank you very much for joining me. See you over the weekend on the Sunday debate. Ladies and gentlemen, good night and goodbye.